मुझे काफ़ी डर लगता है देख के जो हो रहा है ऑनलाइन, और वो किसी भी मीडिया के साथ हो सकता है, राइट? एक ज़माने में रेडियो पे होता होगा, फिर प्रिंट पे होता होगा, फिर टेलीविजन पे, आजकल अक्रॉस डिजिटल मीडिया, और अब तो विद AI पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। जैसे कहते हैं, मतलब बंदर के हाथ में उस तरह देना होता है ना कि उसको पता नहीं उसको काटेगा, बाल हजामत बनाएगा, क्या करेगा। सो दिस इज लाइक द राइट टेक्नोलॉजी, जो सही हाथों में जाएगी तो कुछ अच्छा बनेगा, और वही चीज़ अगर गलत हाथों में लग गई तो क्या ही होगा। और इसका सोशल मीडिया से स्पेसिफिक ताल्लुकात नहीं है, वो किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है, राइट? बैलेंस, मॉडरेशन, अनफॉर्चुनेटली कोई और तरीका नहीं है इसे संभालने का, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन तो कई सदियों से चलती आ रही है। अब आई थिंक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, राइट? और हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कोई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है, और ना केवल पॉलिटिक्स या स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कुछ भी ले लो, ओवर इन्फॉर्मेशन हर जगह। आई थिंक हमें अपने आप से थोड़ा टाइम इंटरनेट से दूर ही बताना चाहिए, और मैं एज समन हु वर्क्स इन दिस फील्ड, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ मैं अपने फ़ोन से दूर रहूँ, थोड़ा बाहर घूम लूँ, लोगों से मिल लूँ, क्योंकि अब क्या हो गया ना, एक एडिक्शन सी हो गई, हम बैठे बैठे स्क्रॉल करते रहते हैं, हमें बस वो मिनी डोपामाइन हिट्स मिलते जा रहे हैं, और हम उनसे वी गेटिंग एडिक्टेड, और हमारा थ्रेशोल्ड बढ़ता जा रहा है, और आम जिंदगी में बातचीत कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो इसका तो एक ही सोल्यूशन है कि बाहर निकलो घर से, फ़ोन दूर रख के थोड़ी बातें करो। और मिस इन्फॉर्मेशन, मैं सच में नहीं जानती उसका क्या हो सकता है, लाइक उसको कैसे वेरीफाई किया जाए, क्या किया जाए। कई लोग हैं जो फेक न्यूज़ बस्टिंग का काम करते हैं, शायद उनको फॉलो कर सकते हैं, या मालूम नहीं। मैं तो खुद, मतलब मैं कोई मसीहा बन के कोई सोल्यूशन ऑफर कर ही नहीं सकती इस विषय पे, बिकॉज ये बहुत ही एक्चुअली स्कैरी कंसर्निंग टॉपिक है, स्पेशली विथ AI, जिस तरह से वीडियोज मॉर्फ हो रहे हैं, शक्लें चेंज हो रही हैं, ये सब हो रहा है। आई एम जस्ट लाइक कि ये तो इसको पता नहीं कौन संभालेगा। एक आखिरी सवाल मेरा ज़रूर होगा आपसे कि बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ है, हर कोई जॉब कर रहा है, जिसके पास जॉब नहीं है वो ये सोच रहा है कि जॉब कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें जो घर में हैं वो घर की परेशानी लेकर बैठे हैं। ऐसे में जब आपके कोई वीडियो देखते हैं तो एक हंसी सी आ जाती है चेहरे पे, मुस्काने लग जाते हैं लोग, ऐसे कई ऐसे वीडियोज़ हैं। अब इस स्ट्रेस वाली लाइफ में आपका एक सजेशन उन लोगों के लिए, चूँकि आपने खुद कहा थोड़ी देर पहले कि एक दिन में 6 बार आपका मूड ख़राब होता है, स्टिल आप हंसती रहती हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, तो आपका एक पर्सनल सजेशन जो आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे जो इस बीच हमारे साथ बैठे हुए हैं या जो इस वक्त हमको देख रहे हैं, वो एक ऐसा सजेशन जो उनके लिए रामबाण जैसा हो कि जब भी उनका मूड ख़राब हो तो वापस से अपने आप को रिचार्ज कर लें वो। सच कहूँ, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मैं कोई चुटकुला सुनाऊंगी या कोई ऐसा सुझाव दूंगी, पर मेरा सुझाव प्लेन एंड सिंपल ये है कि मूवमेंट, कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में कुछ भी हो, वो पेन आपकी बॉडी में रहता है और उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। सोमैटिक वर्क, एक्सरसाइज, गेटिंग इनफ सनलाइट, इनफ स्लीप, आदि प्रॉब्लम्स वहाँ से आती हैं। बाकी चीज़ों के लिए आप हम लोग को देख सकते हैं, हम थोड़ा बहुत हंसाने का काम करते हैं, और कॉमेडी तो बहुत ज़रूरी है, लाइक द स्टेट ऑफ पंजाब नोज दिस वेरी वेल, दे हैव गिवन अस सो मेनी स्टार्स फ्रॉम कॉमेडी। तो यही कहूँगी कि अपना खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है, अपने फ़ोन से थोड़ा दूर रहना ज़रूरी है, अच्छे से सोना, खाना पीना, वो जो मैं ना वो ताऊजी बन गई हूँ, वो जो व्हाट्सएप पे ज्ञान नहीं देते, वही है मेरी एडवाइस, कोई और एडवाइस नहीं मेरे पास। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।